दोस्तों अगर आप बात करते हैं एक प्रीमियम मिड साइज सेडान कार की तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है हुंडई वर्ना। लेकिन अभी आपके सामने है ऑल न्यू हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट जो कि आई है ऑल न्यू अवतार में। कंप्लीटली रीडिजाइंड आपको वर्ना ऑफर करी जा रही है एज अ फेसलिफ्ट। पावरफुल पेट्रोल डीजल टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ऑफर करे गए हैं। 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी आपको इसमें आप देखने को मिलेगा। कंप्लीटली रीडिजाइंड फ्रंट का लुक आपको ऑफर करा जा रहा है। इंटीरियर ऑल न्यू आपको ऑफर करे जा रहे हैं और इस सेगमेंट की ये बेस्ट ऑफरिंग है अभी तक के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे डिटेल में कैसे ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे और एक आपको एक क्विक आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूज थे क्रेटा और वर्ना में। जैसे आप जानते हैं कि क्रेटा की स्टार्टिंग प्राइस है 9.99 लाख रुपीज और वहीं वरना वही इंजन ऑप्शन के साथ उससे ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन क्वालिटी, उससे बेटर आपको कैबिन में प्रीमियमनेस दे रही है करीब 1.5 लाख रुपए सस्ते में, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग डील है। तो अगर आपको एक सेडान कार चाहिए तो आपके लिए वरना अभी से मैं कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। उससे पहले हम चलते हैं वरना की डिटेल्स की ओर। इसको इंडिया में ऑफर करा गया है टोटल 11 वेरिएंट्स में जो कि सब डिवाइडेड है 4 ट्रिम्स के अंदर, एस, एस प्लस, एसएक्स, एसएक्स ऑप्शनल। वहीं आप जानते हैं कि क्रेटा में आपको सेल्टॉस के इंजन मिलते हैं, वही सेम इंजन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसको रिप्लेस करके आपको दिया जा रहा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि आप वेन्यू में ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। 3 इंजन ऑप्शन आपको दिए गए, 5 ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए और 6 कलर ऑप्शंस दिए गए। आपने जैसे इसके लुक्स को देखा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुकिंग इसमें आपको पूरा डिज़ाइन दिया जा रहा है। फ्रंट का लुक काफ़ी ब्रॉड आपको इसमें ग्रिल दी गई है, फुल क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा, फुल LED हेडलैम्प्स दिए गए। नीचे आप देख सकते हैं इसके फॉग लैम्प को जो कि आप वेन्यू में बहुत पहले देख चुके हैं। आपको जो लोअर ग्रिल मिलती है उसमें आपको काफ़ी बढ़िया बूमरैंग डिज़ाइन मिलता है। लोअर लिप आप जो देख पा रहे हैं इसमें आपको ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम फिनिश मिलती है। और सबसे बड़ा चेंज जो आपने इसमें देखा होगा वो है इसके अलॉय व्हील्स जो कि टोटली इंस्पायर्ड है क्रेटा से, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और अभी आप इसका देख रहे हैं एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है होंडा सिटी। अमेजिंग गाड़ी है ये भी, पावरफुल इंजन के साथ आएगी और लुक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन जो न्यू वरना आपके पास है वो इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से कम्पीट कर लेगी जैसा मेरा मानना है। डिज़ाइन देखिए, आप सिटी का भी देख रहे हैं और आप वरना का भी देख चुके हैं। लेकिन साइड प्रोफाइल में हुंडई ने एज सच कोई बड़ा चेंज इसमें नहीं करा है। फ्लूडिक डिज़ाइन करेक्टर आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। सबसे बड़ा चेंज आपको मिलेगा इसके अलॉय व्हील्स में। रियर में आपको अभी भी ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और फ्रंट में आपको मिल जाता है सेम डिस्क ब्रेक का सेटअप। SX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको पहले भी 6 एयरबैग्स मिलते थे और अभी भी मिलेंगे, लेकिन इस बार खास बात यह है कि आपको SX वेरिएंट में भी मिलेगी इसकी सनरूफ। SX ऑप्शनल वेरिएंट में तो आपको पहले भी सनरूफ मिलती थी, लेकिन नो डाउट एक प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम प्राइसिंग के साथ भी आएगी, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी जो आपके पास ऑलरेडी वरना ऑन सेल थी उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो थी 8,18,000, टॉप मॉडल था 14,08,000। इसकी प्राइस कितनी होगी अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके इंटीरियर जो आप देख रहे हैं वो आपको लगेंगे थोड़े बहुत से आपकी जो और आपके पास आ चुकी है उससे हल्के फुल्के मिलते हुए लगेंगे, क्योंकि जो आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ये 8 इंचेस का मिलता है। क्रेटा का 10.25 इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया, 8 इंचेस का दिया गया है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फुल आपको जो ग्रे और बेज शेड मिलते हैं इसके इंटीरियर में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहे हैं। जो आप पूरे AC वेंट्स को देख सकते हैं, अमेजिंग लुकिंग डिज़ाइन तो मैं इसे नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी एक अच्छा लुक इसको दिया गया है। फुल ऑटोमेटिक आपको उसमें AC मिलता है, वायरलेस चार्जिंग आप देख सकते हैं, 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन, सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी क्रेटा ऑफर कर रही है वो फीचर मिलेंगे। सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें थोड़ा सा छोटे साइज का दिया गया है। जो आप बात करेंगे इसमें ब्लू लिंक के सपोर्ट की तो ज़रूर आपको उसमें ब्लू लिंक का सपोर्ट दिया गया है जो कि टोटल 45 फीचर्स को कवर अप करने वाला है। जो इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसके आप इसे फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं, आप इसे क्रिकेट स्कोर्स को जान सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं और रिमोट इंजन स्टॉप स्टार्ट का भी फंक्शन इसमें मिल जाता है आपको। बाकी सारे नॉर्मल फीचर्स आपको मिलेंगे। जो आप अभी देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप इसके स्टेयरिंग को, जो आपको पहले से वरना ऑफर करी जाती है उसमें भी सिमिलर आपको स्टेयरिंग मिलेगा। सिर्फ टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे और SX वेरियंट तक आपको डुअल एयरबैग का सेटअप मिलेगा। ABS, EBD ये सारे बेसिक सेफ्टी फीचर मिलेंगे। और जो आप इसका भी स्पीडोमीटर देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुकिंग दिया गया है इसमें। इसके जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसकी 4.2 इंचेस की TFT डिस्प्ले जो कि आप सेंटर में देख रहे हैं।
इसमें आपको क्रेटा वाली 7 इंचेस की TFT डिस्प्ले नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ी डाउनग्रेडेड मिलेगी। तभी इसकी प्राइस को भी लगभग 1.5 लाख रुपए कम रखा जाएगा विथ सिमिलर स्पेक मॉडल्स विथ रिस्पेक्ट टू क्रेटा। डिज़ाइन देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन मुझे इसका लगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके हर एक इंजन स्पेसिफिकेशंस की और हर एक ट्रिम में आपको क्या फीचर इसमें मिल रहे हैं। जो पहला इंजन आपको उसमें दिया गया है वो है इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 115 PS की पावर और 144 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। ये आपको ऑफर करा गया है मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन के साथ। मैनुअल का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा SSX ऑप्शनल में, और CVT आपको मिल रहा है SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट ओनली। 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि आप सेल्टॉस में ऑलरेडी देख चुके हैं, 115 PS की पावर, 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, मैनुअल और 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको दिया जा रहा है। ये मैनुअल आपको ऑफर करा गया है इसके S+ वेरिएंट में, SX ऑप्शनल यानी कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको दिया जाएगा SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट में। जो इसका सबसे ज़्यादा स्पोर्टी इंजन मैं इसे कह सकता हूँ, 1 लीटर का टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन जो कि केवल 7 स्पीड DCT के साथ आएगा ओनली विथ SX ऑप्शनल वेरिएंट। और आपने इसके स्पेस को देखा, बहुत अच्छा स्पेस मैं इसे कहूँगा ज़रूर। और इन इमेजेस को सबसे पहले इस इंडिया में एक तरीके से अनवील करा है ऑटोकार इंडिया ने, तो प्लीज़ आप इनसे इनके फॉरम में जाके इसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं। बाकी आप डिटेल देखिए, इसके इंटीरियर के स्पेस को देखिए, मेन हाइलाइटिंग फीचर है इसका प्राइस। और हुंडई ने सबसे बढ़िया काम इसमें यह करा है कि इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन अगर दिया जाता तो और ज़्यादा एक तरीके से स्पोर्टी परफॉर्मेंस हो जाती, लेकिन इसकी प्राइस भी बढ़ जाती और अनवांटेड आपका फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता। इसमें जो आपको पावर मिल रही है 120 BHP, 170 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, वही सिमिलर इंजन स्पेक है जो आपको वेन्यू में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और बाकी आप डिज़ाइन देखेंगे, ये आप इसका SX वेरिएंट देख रहे हैं, आप इसके अलॉय व्हील्स जो देख रहे हैं ये SX वेरिएंट के हैं, और इससे पहले जो आपने देखे थे ये देखे थे SXO वेरिएंट के यानी कि ऑप्शनल वेरिएंट के। बाकी जो बूमरैंग एलिमेंट्स जो आपको थ्रू आउट द बॉडी मिलेंगे एक प्रीमियम अपील आपको ज़रूर दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। जो आपको ओवरऑल विंडो ग्लास का एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसमें देखने को मिल रहा है। जो साइड में आपको फ्लूडिक डिज़ाइन करेक्टर है वो अभी भी इसमें कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जो बॉनेट का लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिल रही है हमें अभी, जो कि एक तरीके से और ज़्यादा इसको प्रीमियम क्लास को दिखाती है। होने को ये C2 सेगमेंट की सेडान है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो आपको मिलती है 4440 mm की, इसकी जो विड्थ है वो है 1729 mm, हाइट है 1475 mm, व्हील बेस आपको सेम मिलेगा क्रेटा की ही तरह 2600 mm का, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm का। नीचे आप देखेंगे इसमें आपको हैलोजन दिया गया फॉग लैम्प्स, तो एक तरीके से आप सेफ्टी भी कह सकते हैं कि फॉग में रेनी सीजन में ज़्यादा बढ़िया इसका लाइट पेनिट्रेशन होता है और थोड़ा सा प्रीमियमनेस को डिक्रीज करता है। बूट स्पेस आपको इसमें मिल रहा है 480 लीटर का, जो कि अच्छा है, सुप्रीम तो नहीं है लेकिन अच्छा है, 480 लीटर का बूट स्पेस। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो इसमें हेडलैम्प्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। अगर आपने हुंडई की सोनाटा देखी होगी तो उससे कहीं ना कहीं इसके डिज़ाइन मैच होता है। एक चीज़ और आपसे शेयर करता हूँ, अभी इसके प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं किया गया है, ये सेम आपको पुरानी वाली वरना में ही मिलने वाला प्लेटफॉर्म जो कि इलांट्रा के ऊपर बेस था, और उसी प्लेटफॉर्म पे सेल्टॉस और क्रेटा पे बेस है, यानी कि एक तरीके से सेफर प्लेटफॉर्म है। अभी इसमें फर्दर चेंजेस होंगे वो अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया प्लेटफॉर्म को रिलेटेड, लेकिन अभी भी एक तरीके से सिर्फ फेसलिफ्ट करने से भी काफ़ी अच्छी लुकिंग गाड़ी हो गई है। लेकिन जो इसका नियरेस्ट कंपटीशन है वो है सिटी, जो कि अमेजिंग गाड़ी है, इंटरनेशनली ऑलरेडी लॉन्च हो गई है थाईलैंड में, बस इंडिया में आना बाकी है। कुछ ही दिनों में आपको सिटी भी इंडिया में देखने को मिलेगी, ये तो ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है। इसकी जो प्राइस अभी एक्सपेक्टेड कंपनी कह रही है वो कह रही है 8.5 लाख रुपीज़, 8.49 लाख रुपीज़ के मार्क के आसपास इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अमेजिंग प्राइस ब्रैकेट में इसके लिए कहूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसी प्राइस ब्रैकेट को अगर हम रिलेट करते हैं तो आप क्रेटा के 9.99 के प्राइस ब्रैकेट से इसे देखें तो 1.5 लाख रुपए का लगभग आपको सस्ती मिलेगी क्रेटा से, वही सेम पेट्रोल इंजन आपको मिल जाएगा, ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन है, जो कि बहुत अमेजिंग डील है। और टॉप मॉडल आपको इसमें देखने को मिलेगा नियर अबाउट 14.49 लाख के आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात है। सनरूफ आपको इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी, जो नॉर्मल सनरूफ है वही देखने को मिलेगी, लेकिन जो होंडा सिटी है
उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है कि यही कम्पीट कर सकती है वर्ना के साथ। सियाज अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि वो इसको ओपन चैलेंज कर सके, लेकिन अगर आप फिर भी मारुति की सेल सर्विस से ज़्यादा इंप्रेस है तो ज़रूर आप सियाज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम करेक्टर वाला व्हीकल चाहिए, प्रीमियमनेस चाहिए, स्पेस चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए, तो वर्ना और सिटी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। और इंडिया में जैसा क्राइसिस हो रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए एक दूसरे की, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहिए। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।